घर में तोबा ही होती है, इतना अग्रेसिव हो जाता है कभी कभार, और नखरे भी। इसकी प्राइस हर सिटी में अलग अलग होती है, डिफरेंट प्राइस होती है। बाकी यहाँ पे इसकी प्राइस है, और मैं इंजेक्शन लाया हूँ, इसकी मदद से पिलाते हैं। मेरा क्या कसूर है, मुझसे क्यों पूछे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली यार आज हम मैक्स को वैक्सीन लगवाने लेके जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है मैंने कहा था पिछले वीक ही लगवा लेनी थी, बट टाइम नहीं मिला, हम मसरूफ थे, तो आज फ्री हो गए। तो मैंने कहा आज मैक्स को लेके चलते हैं, पहले वैक्सीन लगवाते हैं। और जो लोग न्यू हैं जिनको नहीं पता कौन सी वैक्सीन होती है और क्या प्राइस होती है, तो इस वीडियो में उनको भी आंसर मिलने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको मैक्स से मिलवाता हूँ और मैक्स का रूम दिखाता हूँ, काफ़ी हद तक हमने सेट कर लिया है। हाँ जी, तो ये देखें, और ये क्या कर रहा है ये, अच्छा गाड़ी के साथ खेल रहा है। और ये देखें, इसका रूम काफ़ी हद तक हमने सेट कर लिया है, नीचे कारपेट वगैरह बिछा दिया, बाकी ये रखा है, इसमें मैक्स का सामान है और ये मैक्स का घर पड़ा है, साथ बाउल वगैरह पड़े हैं खाने पीने के। और ये क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहे हो, आइज देखो कितनी गंदी हुई हैं, ये क्लीन करने वाली हैं, ये लो। ये साहब जी अपना खेलने में मसरूफ है, मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ इधर क्या कुछ पड़ा है। तो इधर ऊपर मैक्स के टॉवल पड़े हैं, बाकी ये ट्वाइस पड़ा हुआ है, उसके अलावा ये वॉल पे लगाने के लिए है, कहीं अगर जगह मिली तो कहीं वॉल पे लगाऊंगा, इधर या उस वॉल पे। बाकी इसमें पड़ा हुआ है मैक्स की फीट पड़ी हुई है, और ये शैम्पू पड़ा हुआ है, उधर स्प्रे है, और इधर ड्रेसेस वगैरह पड़े हुए हैं। उसके अलावा इधर है मैक्स के ब्रश और बाकी टॉयज वगैरह सामान, ये बैंड वगैरह हो गई, ये पड़े हुए हैं इधर। और ये देखो, इससे मैक्स इतना खेलते हैं ना, इतना खेलते हैं, क्या निकालना है उसमें से, ये है मेरे पास, इधर है, इसे ही ढूंढ रहा था अंदर, अभी देखना, पागल हो जाते हैं पागल जब भी इसे ये दो। ओए ओए ओए, किधर गया, ये है मैक्स, इधर है, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ रहा है। तो वाह, तो जितनी देर खिलाई जाओगे ना ये खेल ही जाएगा, इसने नहीं हटना कभी, हैं इसने नहीं हटना, ये ले अब ये ले ले, तो छोड़ दे रहने दे। तो इसे लेके चलते हैं यार, वैक्सीन लगवा लेते हैं, उसके बाद देंगे इसको खेलने के लिए। अभी खाना भी मैंने सुबह दिया था, उसके बाद नहीं दिया, तो वैक्सीन लगवा के आते हैं, बाद में देंगे, ठीक है, चलें। और मैं आप लोगों को वहाँ पे चल के दिखाता हूँ कौन सी वैक्सीन है और क्या प्राइस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप लोग देख रहे होंगे इधर मैंने कारपेट बिछाया और उधर नहीं बिछाया, उसकी वजह ये है क्योंकि आगे आ रही हैं गर्मियाँ, तो गर्मियों में अगर ये कारपेट गर्म वगैरह भी हो गया तो फर्श ठंडा होगा, फर्श पे फिर ये लेट जाए करेगा। हाँ मैं शुरू चले वैक्सीन लगवाने, हाँ वैक्सीन नहीं लगवानी है, वैक्सीन नहीं लगवानी गंदे बच्चे ने, हो इतना गूछा, इतना गुस्सा किस बात का है। तो यार ये उठा लेते हैं, ये जाते हुए तो बाइक पे आगे बिठा के ले जाएंगे, फिर वापसी पे जब आएंगे इसमें डाल के ले आएंगे, ठीक है आ जाओ। और इनका पता नहीं और कितना टाइम लगेगा एक से बेबी पिजन निकलने का, हैं ए जल्दी से निकाल दो ना, अब वो बैठा इंक्यूबेट कर रहा है और ये खाना खाने आई हुई है, देख कैसे रही है। और एक तो हर टाइम इनके केज में इतना गंद मचा होता है। ओए उधर किधर चला गया बाइक, उधर है उधर आ, ओए 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 गंदा बच्चा गंदा बच्चा, तू दरख्त पे चढ़ना सिखाया किसने, बंदर का बच्चा है तू, हैं ये बाइक पे बैठ चलें, चल यहाँ पे बैठ चलें, ठीक है इधर दिखा एक बारी शक्ल दिखा, तो क्लिनिक पे पहुंच गए, इसे लेके चलते हैं अंदर, बेचारा डरा बैठा है, इसको पता चल गया वैक्सीन लगने वाली है, पता चल गया वैक्सीन लगने वाली है। मैं काफ़ी कैट्स देखता हूँ ना जो यानी कि अगर वैक्सीन लगवाने भी लेके जो बहुत अग्रेसिव हो जाती हैं, मैक्स वैसे तो अग्रेसिव होता है बट घर में होता है, यानी कि जब इसको कोई इसकी बात वगैरह ना मानो तब हमसे गुस्सा हो जाता है, फिर गुस्सा करने लग जाता है, बट अब इसके वैक्सीन लगवाने आए अब चुप करके बैठा रहेगा, और देखना वैक्सीन भी आराम से लगवा लेगा। और मुझे इसकी यही बात अच्छी लगती है, बाहर जाके नखरे नहीं दिखाता, तंग नहीं करता, अगर कोई इंजेक्शन वगैरह वैक्सीन वगैरह लगवानी हो सुकून से आराम से बैठ के लगवा लेता है, ज़्यादा तंग नहीं करता। पर घर में जब वो ना
घर में तोबा ही होती है, इतना अग्रेसिव हो जाता है कभी कभार, और नखरे भी बहुत दिखाता है घर में। इसको पता होता है ना मेरे नखरे इन्होंने पूरे करने हैं सारे। अब देखो कितना आराम से बैठा वैक्सीन लगवा रहा है सुकून से। हाँ क्या हुआ, लग गई? बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं हुआ। वैक्सीन लग गया, अब इसको लेके चलते हैं जल्दी से घर। बाइक पे आ गए तो नहीं अब बिठा के लेके जाऊंगा, क्योंकि वैक्सीन लगाई हुई है, फिर हवा वगैरह ठंडी पड़ेगी तो ऐसा ना हो बीमार हो जाए। घर आके बेचारे को नींद आने लगी है। शोजा नींद आ रही है हुई? और ये है वैक्सीन जो लगवाई है, इसका नाम है बायोफिल, और इसकी प्राइस हर सिटी में अलग अलग होती है, डिफरेंट प्राइस होती है। बाकी ये जो टोबा टैक्सी से मैंने लगवाई है, यहाँ पे इसकी प्राइस है 2200। और ये है जेंटल सिरप जो कि डिवर्मिंग के लिए यूज़ होता है। ये भी लाजमी है कि आप अपनी कैट को डिवर्मिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि इससे अगर आपकी कैट के पेट में कीड़े वगैरह होते हैं वो ख़त्म होते हैं। ये मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये देखें। और पहले तो जब इसे डिवर्मिंग करनी थी दूध में मिक्स करके पिला दिए थे, इसने पी लिया था। अब इस बार पिला के देखते हैं पीता है या नहीं, अगर पी लिया तो ठीक है, वरना इसको इंजेक्शन के साथ पिलाना पड़ेगा। और बहुत से लोग कहते हैं हमारी कैट वैक्सीन के बाद बीमार हो गई है, उसे फीवर हो गया। अगर तो आपकी कैट को एक दो दिन फीवर रहता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वैक्सीन वर्किंग में है, वो अपना काम कर रही है अच्छे से। अगर एक दो दिन से ज़्यादा आपकी कैट को बुखार है तो आप बिना कोई टाइम वेस्ट किए फ़ौरन वेट को चेक करवाएँ। और इसी तरह अगर वैक्सीन के बाद आपकी कैट थोड़ा सा सुस्त भी हो जाती है तो वो भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आम सी बात है। और ये मैं अभी थोड़ी देर तक इसको दूध में मिक्स करके देता हूँ, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर ले, ठीक है, उसके बाद देता हूँ। और बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी कैट की डाइट चेंज कर देते हैं वैक्सीन के बाद, यानी कि आपने उसको वैक्सीन करवाई है उसके बाद उसको कुछ और देने लग जाते हैं, कुछ और खिलाने लग जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैक्सीन के बाद आप अपनी कैट की डाइट कभी भी ना चेंज करें, क्योंकि कैट तो वैसे ही पहले स्ट्रेस में होती हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद जब आप उसकी डाइट भी चेंज कर देते हैं वो और स्ट्रेस में आ जाती है, तो ऐसा कभी भी ना किया करें। आप उसे जो पहले खिला रहे वैक्सीन के बाद भी वही खिलाएं। तो यार मैं दूध ले आया हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि ज़्यादा गर्म भी नहीं किया है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, जो नॉर्मल दूध होता है वो नॉर्मल है। तो अब इसमें ये मिक्स कर देते हैं। और ये आप लोग अगर अपनी कैट को दूध नहीं देते तो आप लोगों को फिर अपनी कैट को ऐसे पिलाना पड़ेगा, अगर आपकी कैट पहले दूध पीती है या उसे आदत है तो आप उसको दूध में मिक्स करके दें, वरना आप उसे वैसे पिलाएं। तो मैक्स को दूध पी लेता होता है कभी कभार, तो इस वजह से मैं इसको दूध में मिक्स करके दे देता हूँ। ये लो पी लो, अभी तो स्मेल का आ रहा है क्या मिक्स है अंदर। हाँ क्या हुआ, ओए पीना नहीं है? ये वाले भी उठा देते हैं एक मिनट। क्या हुआ है, दूध है कुछ भी नहीं अंदर? जब ये छोटा था पहले इसकी ऐसी डिवर्मिंग की थी दूध में, यानी कि मिक्स करके पिलाया था, तब इसने पी लिया था। और अब पता नहीं क्या, अब तो स्मेल से दूर भागी जा रहा है, इसके पास ला रहा हूँ ना डर के, स्मेल से दूर भागी जा रहा है। और मैं इंजेक्शन लाया हूँ, इसकी मदद से पिलाते हैं। अब ज़बरदस्ती पिलाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती पिलाना पड़ेगा अब तुझे। पहले क्या हुआ था, पहले तो पी लिया था, हैं तब स्मेल नहीं आती थी ज़्यादा? पहले वाला तो सारे वेस्ट कर दिए मैंने, सारे डाल दिए, पहले थोड़ा सा डाल के चेक कर लेना चाहिए था क्या पीता है या नहीं। तो फाइनली यह डिवर्मिंग कर दी है इसकी। मैं इसको दूध के साथ इसलिए पिला रहा था क्योंकि अगर इसको ऐसे इंजेक्शन के साथ करो ना, यानी कि पिलाओ तो बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। वो देखिए अब कड़वा जायका आ रहा होगा, हैं तो बहुत तंग करते, इस वजह से मैं इसको इंजेक्शन के साथ नहीं पिला रहा था, पर इसने अब दूध पिया नहीं तो इंजेक्शन के साथ ही पिलाना पड़ा, और बहुत तंग किए इसने, इस वजह से वीडियो भी नहीं बना हुई। लो फेस साफ कर दूं पहले। बाकी अभी मैंने सिर्फ 2 ml तक पिलाई है और सिरप वगैरह बचा हुआ है, ये हम बाद में कुछ दिनों तक अब दोबारा पिलाएंगे। इसको यहाँ पर रख देते हैं और ये दूध भी उठा के बाहर ले जाते हैं, ऐसे बाद में फिर क्या पता पीने ना लग जाए। और इसको भी अभी थोड़ी देर आराम करने देते हैं, थक गया होगा बेचारा, रेस्ट कर लेगा, हैं। वो देखो मुझसे गुस्से हुआ हुआ है, जबरदस्ती पिलाया है इसे गंदे बच्चे को।
यार मैक्स, मैंने तो नहीं कहा था आप दूध ना पियो। अब आपने दूध नहीं पिया इसी वजह से तो मुझे पैसे पिलाना पड़ा। मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मुझसे क्यों पूछे हुआ है? इतना गुस्सा, आई इतना गुस्सा, गंदे बच्चे। फुल गुस्से में होगा भी ये देखना। मैक्स इतना गुच्छा नहीं करते, इतना गुच्छा नहीं करते, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। अच्छा चलो लेट जो, मैं थोड़ी देर तक आऊँगा जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा जब, ठीक है? नहीं, फुल गुस्से में। और ये भी इधर रख देते हैं। बाकी ये इंजेक्शन देखो, ये लगना है अगली बारी आपको, ठीक है? अगर तंग किया अब ये लगेगा, सुन रहे हैं मेरी बात? अगर आप तंग किए ना ये लगाऊंगा, जानवरों वाला। फिर तेरे साथ जानवरों वाला इंजेक्शन लगाऊंगा तुझे। जानवर है तू? नहीं, ये तो मेरा सुनना बच्चा है। और वीडियो को भी यहाँ पे करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, और हमारे चैनल रिहान एंड मैक्स को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये साहब जी अभी भी गुस्से हैं।